गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी, गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, उसके चैप्टर वाइज वीडियोस मैं आपके लिए लाया। तो इस वीडियोस के अंदर चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड जो आईएमपी क्वेश्चन एमएसबीटी में आ सकते हैं, उन सबका कलेक्शन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो वन बाय वन में एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर वाइज मैं आपके लिए डालूंगा। तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये नोट्स पहुंचाइए, जो कि बच्चों को पेपर पास करने के लिए काफी इजी हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट स्टार्ट अवर वीडियो। सो दिस इज अ करिकुलम ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना स्टीम बॉयलर्स एंड स्टीम टर्बाइन्स। तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सी, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमको 20 मार्क के लिए एमएसबीटी ने वेटेज दिया है, लेकिन ये चैप्टर जब पूछेंगे तो इसका वेटेज 24 से 26 मार्क तक इसका वेटेज जाता है। तो अगर आपने सिर्फ यही चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर भी किया, तो आपका आधा पासिंग इसी चैप्टर में से कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस हैं, जो मैंने पिछले वाले जो एमएसबीटी के क्वेश्चन हुए, पेपर हुए थे, उन पेपर में से मैंने वो कलेक्ट करके यहाँ पे वो क्वेश्चंस लाए। सी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ ए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 2 मार्क के लिए सिर्फ क्लॉजियस का स्टेटमेंट पूछा गया है। तो स्टेटमेंट क्या है क्लॉजियस का? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वे हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। इन अदर वर्ड्स, हीट ऑफ हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर टू अ हॉटर बॉडी। उसी इसके डिफरेंट स्टेटमेंट है, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मीनिंग एक है। उसका फॉर एग्जाम्पल है हीट पंप। तो आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगता है वो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मॉडल सॉल्यूशन में के आंसर से, जो कि मैंने वैसे के वैसे यहाँ पे पुट कर दिया है। और मैंने इसका एक पीडीएफ नोट्स भी मैंने तैयार किया है चैप्टर वाइज। अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी दीजिए, मैं आपको वो नोट्स मेल कर सकता हूँ। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एंड ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम क्या होता है? इट इज द मास मास फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर इन इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वालिटी ऑफ स्टीम। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। सेकेंड था इसमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का डेफिनेशन है। सो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है? स्टीम नॉट कंटेनिंग अ वाटर ड्रॉपलेट्स बट विच इज एट अ सैचुरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ए ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्केमेटिक डायग्राम स्केच ऑफ वाटर ट्यूब हेडर्स बैफल्स एंड ब्लो ऑफ कॉक एज अ पार्ट ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर एंड लेवल हीट। ये बैबकॉक विलकॉक का डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है और उसको लेवलिंग करना है। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नीड ऑफ कंपाउंडिंग इन अ स्टीम टर्बाइन, स्टेट द नेम ऑफ कंपाउंडिंग मेथड ऑफ रिएक्शन टर्बाइन्स। सी, क्या होता है कि कंपाउंडिंग जो क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग हर बार आपको पूछा ही जाता है कंपाउंडिंग का क्वेश्चन। तो जो मैं सारे वीडियोस के लास्ट में मैं मेरा एक गेसिंग पेपर में डालता हूँ, जो कि मैंने पिछली बार भी डाला था आईएसपी के लिए, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के लिए। तो उसमें से 62 मार्क्स का मेरे गेसिंग में से आया था। तो इस बार भी मैं गेसिंग पेपर डालूंगा, लेकिन अपने सारे चैप्टर के वीडियोस कंप्लीट होने के बाद। तो नीड ऑफ कंपाउंडिंग पे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग ऑफ ए स्टीम टर्बाइन इज रिक्वायर्ड एज इन केस ऑफ ए सिंपल इम्पल्स टर्बाइन द सिंगल स्टेज में ऑफर ए स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30,000 RPM, which is cannot be directly used for any engineering application and needs to be reduced. Also, such a high speed shall not induce large stresses in the shall induce large stresses in the blades. Compounding is a thermodynamic means for reducing the speed of turbine, where speed reduction is realized without employing a gearbox. Compounding का मीनिंग क्या है? जो हाई स्पीड स्टीम आता है, उस हाई स्पीड स्टीम को हमको क्या करना है, उसका स्पीड रिड्यूस करना है बाय वेलोसिटी रिड्यूसिंग और बाय प्रेशर रिड्यूसिंग। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग क्या है वो देख लीजिए, प्रेशर कंपाउंडिंग इंपल्स टर्बाइन,
वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स टर्म भाई एंड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स टर्म भाई। तो ये तीन मेथड है जिससे हम स्टीम को कंपाउंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केच द लेवल लेवल्ड लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कूलिंग टावर। तो अभी अब पावर प्लांट का स्केच आपको बनाना है, तो यही स्केच है, ऐसा नहीं है, आप दूसरे स्केचेस भी पावर प्लांट के लिए बना सकते हैं। आप कौन सा भी पावर प्लांट का स्केच बनाइए, दूसरा वाला वो भी आपका कंसिडर होगा, और इसके अंदर कूलिंग टावर का फंक्शन पूछा है। तो कूलिंग टावर इसके नेम में ही फंक्शन पता चलता है, कूलिंग टावर क्या काम करेगा, कूलिंग करेगा। तो किसका कूलिंग करता है कूलिंग टावर, बिल्डिंग का कूलिंग करता है, बाद में कोई सिस्टम है उसका कूलिंग करता है। उसी यहाँ पे कूलिंग टावर इज अ डिजाइन टू रिमूव हीट फ्रॉम अ बिल्डिंग और अ स्टीम बाय स्प्रेइंग अ वाटर डाउन थ्रू द टावर्स टू एक्सचेंज हीट इन टू द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग। एयर कम्स इन इन फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टावर एंड पासेस थ्रू द फॉलिंग वाटर। जो टावर होता है उसमें से वाटर फॉल होता है, वाटर फॉल होने के क्या होता है कि एयर पास होता है, एयर पास होने से जो हीट एक्सचेंज होता है, तो कूलिंग टावर का काम वही है कि वो हीट एक्सचेंज करेगा और बिल्डिंग को और सिस्टम को कूल करेगा। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट। गैस टर्बाइन पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे यूज होगा उसके एप्लीकेशन आपको देने हैं, कौन से भी चार आप लिख सकते हैं। इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, लोकोमोटिव प्रपल्शन, शिप प्रपल्शन, गैस टर्बाइन यूज इन एयरक्राफ्ट, सुपर चार्जिंग फॉर हेवी ड्यूटी डीजल इंजिन, इट इज यूज इन टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोपेलर इंजिन। तो आप कौन से भी चार इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू टाइप्स ऑफ ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट एंड कंपेयर देम। तो दोनों का कंपैरिजन आपको पूछा है और कितने टाइप से उसके वो पूछे सी। तो पहला वाला गैस टर्बाइन का पावर प्लांट है हेवी फ्रेम इंजिन, और दूसरा दूसरा वाला है एरो डेरिवेटिव इंजिन। ये दो टाइप है गैस टर्बाइन पावर प्लांट के। हेवी फ्रेम इंजिन आर कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर प्रेशर रेशियो एंड टेंस टू फिजिकली लार्ज। प्रेशर रेशियो इज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसर डिस्चार्ज प्रेशर एंड द इनलेट एयर प्रेशर। तो इसका जो कंपैरिजन था, कंपैरिजन का प्रॉपरली आंसर्स नहीं मिल रहा था, तो वो आंसर्स मैंने यहाँ पे नहीं पुट किया है, लेकिन जो दो टाइप है वो टाइप मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन वेट स्टीम एंड ड्राई स्टीम। तो वेट स्टीम क्या होता है कि जिसके अंदर वेपर पार्टिकल है उसको हम वेट स्टीम कहेंगे, और ड्राई स्टीम यानी क्या जिसमें वेपर पार्टिकल नहीं है उसको हम ड्राई स्टीम कहेंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन बॉयलर माउंटिंग विथ टू एग्जाम्पल। सी बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज ये दो कंसेप्ट है। तो बॉयलर जब बनता है जो जो पार्ट यूज करेंगे तो उसके एसेसरीज करेंगे, और बॉयलर के ऊपर जो पार्ट हम माउंट करेंगे तो इसको बॉयलर माउंटिंग कहेंगे। सी यहाँ पे क्या है डिवाइसेस विच आर माउंटेड ऑन बॉयलर फॉर इट्स अ कंट्रोल एंड सेफ ऑपरेशन आर कॉल्ड एज ए माउंटिंग्स। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वॉल्व, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल्व, फिजिबल प्लग, प्रेशर गेज, स्टॉप वॉल्व, फील्ड चेक वॉल, ब्लो ऑफ वॉल्व। तो इतने सारे एग्जाम्पल से आप कौन से भी लिख सकते। और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है देखो यहाँ पे। इट इज ऑब्जर्व दैट इन अ डिवाइस हीट वाटर हीटेड बाय यूटिलाइजिंग द हीट इन एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बिफोर इट लिविंग थ्रू द चिमनी इन अ स्टीम पावर प्लांट। स्केच एंड आइडेंटिफाई द डिवाइस। कोई ऐसा एक डिवाइस बताइए जो डिवाइस हीट को यूटिलाइज करेगा, चिमनी में से जो अपना हीट है जो वेस्ट जाता है एटमोसफेयर में, तो उस हीट को यूटिलाइज करके फीड वाटर जो है फीड वाटर को गर्म हॉट करने का काम जो करेगा, तो ऐसा डिवाइस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसका आंसर है इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस है वो क्या करता है वेस्ट हीट यूटिलाइज करके जो फीड वाटर है, फीड वाटर की यानी क्या बॉयलर को जो हम पानी देने वाले हैं, तो उस पानी को गर्म करने का काम वेस्ट हीट से ये इकोनोमाइजर करता है। तो इसके बहुत सारे डायग्राम है, तो एज सिंपल एज आप उसका डायग्राम निकालना है। चार मार्क के लिए क्वेश्चन था, दो मार्क आइडेंटिफिकेशन एंड दो टू मार्क्स फॉर द योर डायग्राम। तो आप कौन सा भी डायग्राम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं इकोनोमाइजर के, बहुत सारे सिंप्लीफाइड डायग्राम है। मैंने मेरे पीडीएफ के नोट्स में भी इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, वो भी बिल्कुल सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इम्पल्स स्टीम टर्बाइन विथ नेट स्केच। सो दिस इज इम्पल्स स्टीम टर्बाइन। तो इसके अंदर क्या है देखो, ये वाला जो है ये नोजल है, यहाँ से स्टीम एंटर करता है। तो ये नोजल के सबसे पहला वाला पार्ट देखो बड़ा है, बाद में जो पार्ट है वो छोटा है, बाद में फिर से ये पार्ट बड़ा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं
कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप नोजल। तो नोजल के अंदर क्या है, जहाँ पे नोजल का एरिया कम होता है तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ता है, और जहाँ पे एरिया बड़ा होता है वहां पे प्रेशर उसका बढ़ता है। यहाँ पे वेलोसिटी और प्रेशर इन दोनों का कंपाउंडिंग हमने किया है, और उस नोजल से उस वेलोसिटी का क्या है, स्पीड और प्रेशर इन दोनों चीजों पे हम कंट्रोल करते हैं। बाद में वो जो स्टीम है वो कुछ एंगल से हम इस ब्लेड के ऊपर हैमर करते हैं, और ब्लेड के ऊपर जैसे हम इसको हैमर करेंगे तो ब्लेड का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका रोटेशन स्टार्ट होता है, इसके शाफ्ट को हमने जनरेटर कनेक्ट किया होता है, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यही सारा वर्किंग इसके अंदर लिखा। तो ये हो गया अपना इंपल्स सर्वाइवर। बाद में आता है स्केच द लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, लेबल द कंपोनेंट, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एनी टू मेजर कंपोनेंट। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने पावर प्लांट का डिजाइन मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी देखो एक पावर प्लांट है उसका डिजाइन अलग से दिया है, और कुछ बुक आपसे रेफर करते होंगे उसके अंदर कुछ अलग से दिया होगा, आपके टीचर्स लोगों ने कुछ अलग दिया, तो जो आपको कंफर्टेबल है तो वो डायग्राम आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि मॉडल सॉल्यूशन में जो दिया है वही आपको ड्रॉ करना है, अदर दूसरा डायग्राम भी है पावर प्लांट का वो भी कंसिडर हो जाता है। तो उसकी जो मेजर कंपोनेंट, अभी पावर प्लांट के मेजर कंपोनेंट कौन से आएंगे, बॉयलर, सुपर हीटर, टर्बाइन, कंडेंसर, तो कौन से भी दो आपको एक्सप्लेन करने को बोले थे तो हमने सभी एक्सप्लेन किए। बॉयलर क्या करेगा, वाटर इज कन्वर्टेड इंटू स्टीम। सुपर हीटर, इट कन्वर्ट्स वेट स्टीम इंटू सुपरहीटेड स्टीम। देन टर्बाइन, स्टीम एट हाई प्रेशर एक्सपांड इन द टर्बाइन एंड ड्राइव्स द जनरेटर। कंडेंसर, इट कंडेंसेस अ स्टीम यूज्ड बाय द स्टीम टर्बाइन। द कंडेंस्ड स्टीम नोन एज अ कंडेंसेट इज यूज टू फीड वाटर। द कूलिंग टावर, इट कूल्स द कंडेंसर सर्कुलेटिंग वाटर। कंडेंसर कूलिंग वाटर एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टीम। दिस हीट इज अ डिस्चार्ज टू एटमोस्फेयर इन अ कूलिंग टावर। तो ये सारे जो पार्ट से बॉयलर के, तो वो सारे एक्सप्लेन किए। आपको कौन से भी दो एक्सप्लेन करने हैं तो आपको जो अच्छा लगे वो आप एक्सप्लेन कर सकते। नेक्स्ट इज स्टेट द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट में से जो चिमनी में से हम एग्जॉस्ट करते हैं वो जो फ्यूम्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकुलेट्स होते हैं कि जो ह्यूमन बींग को और अपने एनवायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। सो दिस आंसर इज रिगार्डिंग दैट। सी सराउंडिंग रीजन वेरी बैडली लार्ज अमाउंट ऑफ SOx, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड SPM आर जनरेटेड विथ विच डैमेज एनवायरमेंट एंड आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग, एनिमल किंगडम एज वेल एज प्लांट। इमिशन ऑफ SPM एंड RSPM डिस्पर्स ओवर 25 किलोमीटर रेडियस लैंड एंड कॉज रेस्पायरेटरी एंड रिलेटेड एलिमेंट्स टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल किंगडम। SPM गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लांट्स विच इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ ए पोल्यूटेंट्स इन साइड द प्लांट्स थ्रू लीव्स एंड ब्रांचेस। इम्बैलेंस ऑफ मिनरल्स, माइक्रो एंड मेजर न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस विच इफेक्ट द प्लांट ग्रो सेवरली। स्प्रेडिंग एंड डिपोजिशन ऑफ SPM ऑन सॉइल डिसबर्स द सॉइल देयर बाय द फर्टाइल एंड फॉरेस्ट लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ ए कंटिन्यूअस एंड लॉन्ग लास्टिंग इमिशन ऑफ SOx एंड NOx विच आर द प्रिंसिपल पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम अ कोल बेस्ड पावर प्लांट। स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द करोजिव रिएक्शंस। तो ये सारे एनवायरमेंट के इफेक्ट है, एनवायरमेंट पे होने वाले इफेक्ट है, वो सारे इफेक्ट आपको लिखने हैं विद दैट पोल्यूटेंट SOx, NOx, SPM, ये जो पोल्यूटेंट है उसके साथ आपको ये सारा देखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर विथ नेट लेवल स्केच। ये बैबकॉक और विलकॉक का बॉयलर है, इसका नेट लेवल स्केच आपको लिखना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो इसको इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर, इसके सराउंडिंग में क्या होता है कि फ्यूम जो होते हैं फ्यूम्स वो सराउंडिंग में घूमते हैं, और जैसे ही ये फ्यूम्स इसके सराउंडिंग में वाटर ट्यूब्स के सराउंडिंग में जाएंगे तो इसका हीट ट्रांसफर होगा। जैसे हीट ट्रांसफर होता है वाटर जो ट्यूब्स के अंदर है वो हॉट होता है, वो हॉट वाटर क्या होता है ट्रेवल ऊपर की साइड में करता है। हॉट वाटर ऊपर आया तो उसकी जगह पे तुरंत यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोल्ड वाटर उसकी जगह ले लेगा। तो ये सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली होता है जब तक हम इसको हीट देते रहेंगे। तो जैसे ही वाटर एक टेम्परेचर रीच करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तो उसका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा।
तो बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद ये जो ड्रम है, ड्रम का ऊपर का जो रीजन है वहां पे वेपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। सी यहाँ पे प्रेशर गेज भी दिया है, और प्रेशर गेज के बाद सेफ्टी वॉल्स ड्रम वगैरह यहाँ पे दिया है। तो ऊपर के साइड में वेपर डिपॉजिट होते हैं, और वो जो वेपर होते हैं वो उस वेपर के अंदर कुछ वाटर पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम वेट स्टीम बोलते हैं। तो जब उसको हम वेट स्टीम को जब हम सुपर हीटर में जब भेजते हैं, तो यहाँ पे सुपर हीटर दिया। तो सुपर हीटर में जैसे हम उसको देंगे तो उसके अंदर और हीट बढ़ेगा वेपर का, और उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फिर से इवोपरेट हो जाएंगे। और यहाँ से ये देखो यहाँ पे स्टॉक पॉल दिया है, यहाँ से जिस जहाँ पे उसका एप्लीकेशन है वहां पे हम स्टीम को भेज सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स है, यहाँ पे देखो एचपी दिया है, यहाँ पे फायर होल्स दिए है। फायर होल का क्या काम क्या है कि यहाँ से फायर हम देने वाले, ओके। यहाँ पे कुछ डैम्पर्स दिए है, फ्रेश एयर एंटरिंग के लिए कुछ डैम्पर्स यहाँ पे दिए है, और ये सारे सपोर्टिंग मेजर्स है, ओके। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दिया है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंथैल्पी एंड स्टेट इट्स यूनिट। तो एंथैल्पी का डेफिनेशन है, एंथैल्पी अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इक्वल टू द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी इज इन जूल। एंथैल्पी एक एनर्जी है तो उसका यूनिट जूल आएगा। स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ ए नोजल। नोजल के कुछ एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं, स्टीम एंड गैस टरबाइन, जेट इंजन, रॉकेट मोटर्स, फ्लो मेजरिंग इन्वेंटरी मीटर। तो इसके अलावा और कुछ आपको सोचता है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम द हजार्डस पोल्यूटेंट इन अ स्टीम पावर प्लांट विथ देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग। सी पर्टिकुलरली एनवायरमेंट, ह्यूमन बींग, ऐसे इफेक्ट आपको पूछे जाते हैं। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो एनवायरमेंट का था, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन बींग का है। तो मेन पोल्यूटेंट कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऐश। ये सारे मेन सूट भी होता है, ये सारे मेन कंपोनेंट है पोल्यूटेंट है कि जो अपने ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ये पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, सल्फर क्या करेगा। तो ये आंसर्स आपको लिखने। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एक्सेसरीज एंड नेम एनी थ्री बॉयलर माउंटिंग एंड थ्री बॉयलर एक्सेसरीज। इसका रिक्वायरमेंट देना है हमको कि बॉयलर माउंटिंग क्यों चाहिए, बॉयलर एसेसरीज क्यों चाहिए। व्हाई वी आर पुटिंग द माउंटिंग्स इन द बॉयलर, व्हाई वी आर पुटिंग द एसेसरीज इन द बॉयलर। तो बॉयलर को जब हम बनाते हैं तो कुछ एसेसरीज हमको साथ में लेना पड़ेगा, तभी बॉयलर बन पाएगा। बॉयलर कोई ऐसा एक पीस नहीं है कि जहाँ से हम उसको मैन्युफैक्चर कर लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से उसको मैन्युफैक्चर करके उसको हम कलेक्ट करते हैं, क्लब करते हैं, फिर बाद में हमारा बॉयलर तैयार होता है, उसको बोलेंगे एसेसरीज। और जब बॉयलर के ऊपर कुछ सेफ्टी मेजर्स हम लगाते हैं, सेफ्टी वॉल्स, वाटर लेवल इंडिकेटर एंड ऑल दैट से, तो इसको हम माउंटिंग्स बोलेंगे। तो इसकी जरूरत भी आपको यहाँ पे दिया है, इसका आंसर बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज। और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। तो इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन का ये वाला डिफरेंस दिया है, तो आप अच्छे से इसको लर्न कीजिए। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, टोटल 19 क्वेश्चन है, तो इन 19 क्वेश्चन में से ही आपको एमएसबीटी का पेपर में आएगा। अगर आपने ये 19 क्वेश्चन भी पढ़ लिए तो आप कम से कम 24 to 26 मार्क्स का आपका ये जो बीएमई का प्रिपरेशन ये हो जाता है। और इस वीडियोस के क्या फायदे होते हैं कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसके आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने सिर्फ आंसर सुने भी तो भी आपको याद रह जाएंगे, और ये जो नोट्स है वो सामने देख के भी आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपको किसी को ये नोट्स चाहिए तो कमेंट में आप आपका मेल आईडी मुझे दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ऐसे ही मैं पूरे पांचों ही चैप्टर के आपको क्वेश्चंस और आंसर्स देने वाला हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाइए, क्योंकि उनको एमएसबीटी में अपना बीएमई का जो पेपर है वो अच्छे से वो पास कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।